हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को लेके जा रहे हैं कुछ ऐसी जगह जहां पर शायद ही आप लोग गए नहीं होंगे। हमें मालूम चला है सूत्रों के द्वारा कि वहां पर अजीबो गरीब आवाज़ें निकलती है। सो मैं और मेरा दोस्त जाके उस जगह को मतलब छानबीन करेंगे और आप लोगों के आगे लाएंगे कि क्या है सच, क्या है वो काली गुफाओं की सच। हम लोग जा रहे हैं अभी वो जगह पे। अभी कोरोना से हम लोग ऐसे परेशान हैं, ऊपर से वो जगह के विषय में आदमी लोग सुनने के बाद काफ़ी ही डर रहे हैं और ये गांव ही आदमी लोग छोड़ चुके हैं बैठने के लिए। तो उस काली सच को जानने के लिए चैनल पे बने रहे हैं और चलते हैं हम लोग आगे उस काली गुफा की तरफ। मैंने शनि भगवान का ताबीज भी बांध लिया है और गला पे रुद्राक्ष लगा लिया है। अगर कुछ ऐसा शक्ति होगा तो मुझे कुछ हो नहीं सकता। और अभी हम लोग चल रहे हैं उस काली गुफाओं की तरफ। सो बने रहे हमारे साथ हमारे वीडियो पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं उस चीज़ के छानबीन पे। ये अंधेरी जंगल के बीचों बीच पड़ा हुआ है। सो यहाँ पर कुछ दिख रहा है आप लोगों को? वो रेल के डिब्बे हैं जिन पे इंसानों को लाया जाता था। बड़े ही खतरनाक है, इसी पर बैठा के इंसानों को लाया जाता था। और यही वो फांसी की तख्ता है जिस पे पहले लोगों को लटकाया जाता था। वो सिकली है जिस पे इंसानों को टांग दिया जाता था। और यहीं पर मासूम इंसान की जाने लिया जाता था। यही है वो चीज। और यहाँ पर इंसानों को फांसी देने के बाद उनके लाशों को इस कंटेनर पे चढ़ा के ले जाया जाता था। हाल ही में तो ये सब बंद है क्योंकि यहाँ के डर से सब कोई भाग चुके हैं, क्योंकि काफ़ी कत्ल हो चुका है। सो आगे क्या दिखता है हमारे साथ बने रहें। और ये वो घर है जिस पे रात को अजीबो आवाज़ आते हैं। ये पहाड़ों के बीच, एकदम पहाड़ी पहाड़ के बीच पे बना हुआ है, जिसके कारण काफ़ी आदमी लोग पूरे गांव खाली कर चुके हैं। और यहाँ का सच हम लोग आज खोजने जा रहे हैं। रात को ये घर पर ना आए तो ही आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। धन्यवाद। यही वो ब्रिज है जहाँ से इंसानों को लेके जाया जाता था। और यही ब्रिज से लाखों लोगों की खून बहते हुए, और आप देख सकते हैं ये पानी है। यही वो अंधेरी जगह की अंधेरी बक्सा है जिसमें ब्रिटिशर लोग इंसानों को दफन करते थे। और यहीं पे वो लाशें जो रहती थी वो बिल्कुल ही यहीं पर रहती थी। और अभी तक इसके अंदर शायद कंकाल लोग होंगे। इसको हम लोग खोल के देखने वाले हैं क्या हो सकता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं इसके अंदर क्या ही हो सकता है। कंकाल नजर आएंगे यहाँ के आदमी के द्वारा हमें मालूम चला है। देखिए यहाँ का पानी तक भी लाल है, ये पूरा ही भूतिया है। देख सकते हैं यहाँ का पानी टोटली लाल है। देखिए पहाड़ों के ऊपर से लाल पानी निकलते हुए, मतलब यहाँ पर कुछ तो राज है। पूरी तरीके से देखिए आप लोगों को ये देख के क्या लग रहा है यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो बह रहा है वो भी लाल, और यहाँ पर टोटली इतना लाल होने का कारण क्या हो सकता है। गौर कीजिए इस पानी को, ये इतना लाल क्यों है यहाँ पर ऐसा लाल लाल, ये क्या बैठा हुआ? ये खून ही हो सकता है, ये बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए जो पानी बह रहा है वो तक लाल है और ये पूरी जगह को लाल कर दिया है। यहाँ पर कुछ तो राज है। वो खतरनाक सी रास्ता है जिसको कट के जाना पड़ता है। वो अंधेरी गुफा पे हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं।
कोई आत्मा वात्मा ना हो, इसकी हम प्रयास कर रहे हैं। हम तो विश्वास नहीं करते आत्मा पे, फिर भी यहाँ के इंसान ने बोला, यहाँ के आदमी लोगों ने बोला, सो हम लोग इसको आज खुलासा करके ही रहेंगे। सो गाइस, ये पानी क्यों बह रहा है आप लोग हमें ज़रूर बताएं। ये उल्टा पानी बह रहा है, आप लोगों को मालूम होगा 90 डिग्री से ये जब पानी आता है तो ये साइड से शायद ही ये साइड जाता है, लेकिन यहाँ पर पानी भी उल्टा है, तो क्या बात हो सकता है। आप लोग बने रहें, अभी हम लोग को ये चट्टान से पार होके आगे जाना पड़ रहा है। वो क्या हो सकता है, वो झरना कैसे यहाँ पर, ये अलग ही जगह पे ये झरना कैसे आ सकता है। ऊपर पहाड़ है लेकिन यहाँ पर पानी बह रहा है, इसका अर्थ क्या हो सकता है। आप लोग कृपा ज़रूर बताएं क्या हो सकता है ये राज। ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ से झरना बह रहा है, तो ये क्या हो सकता है, हमें आगे जाके मालूम करना ही चाहिए। सो लेट्स गो। तो ये गाइस, हम लोग इस चट्टान के ऊपर से होके जा रहे हैं उस गुफा की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आप लोग ज़रूर बताएं। अगर कोई यहाँ पर आए हुए हैं तो ये खतरनाक सी चट्टान हमें क्या हम लोग बहा भी सकती है। तो हम लोग जा रहे हैं, हमारे साथ प्रिंस कुमार शाह आ रहे हैं और ये खतरनाक चट्टानों की तरफ से जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग जम मारेंगे और यहाँ स्लिप भी हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। तो हम लोग काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं उस झरना के, वहाँ पर क्या है आप लोग देखते रहिए। ये आप देख सकते हैं, ये भूतिया रेलवे ट्रैक जो इस गुफा की तरफ जाता है। हम लोग जंगल सीढ़ी पहाड़ कट के आए हैं, अभी हम लोग जाने वाले हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक बोर्ड था थोड़ा दिन आगे, डू नॉट एंटर हेयर बिकॉज इट इज़ क्वाइट रिक्सी बोल के ऐसा कुछ था, लेकिन वो भूत ने आके इस मतलब पोस्टर को तोड़ दिया है। फिर भी हम लोग बेडर बेहिजक होके जा रहे हैं ये गुफा के अंदर। दोस्तों, इस खतरे भरे रास्तों से हम लोग जा रहे हैं उस गुफा की तरफ। हमारे साथ है प्रिंस कुमार शाह और अंकित शर्मा जो ये ब्लॉगर है एक तरीका के, और अभी हम लोग जा रहे हैं इस खतरनाक भरी रास्ता से उस गुफा की तरफ। इस वीरान सुनसानी जगह पे वो गुफा है जिसके अंदर अभी हम लोग जाएंगे और सच को आपके आगे दिखा कर ही रहेंगे। ये वो पहाड़ है जहाँ से ये गुफा की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ और ठंडी सी हवा बह रही है, और यही वो पहाड़ और नदी के ऊपर एकदम बीचों बीच जंगल के बीचों बीच बसा हुआ ये गुफा। आप लोगों को कुछ अंदर से कुछ दिखाई दे रहा है, अंदर पे कुछ दिखाई दे रहा है तो कमेंट सेक्शन पे आगे ज़रूर बताएं। अभी हम लोग काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं उस गुफा के, जिसके अंदर अभी हम लोग जाके आप लोगों को साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या। हम लोगों ने रुद्राक्ष लगाया हुआ है अपने ऊपर और हाथ पे ताबीज़ बांध लिया शनि भगवान का, और अभी हम लोग अंदर जाएंगे और आप लोग को खुलासा करेंगे कि अंदर पे क्या है। कि हमारे कैमरामैन प्रिंस कुमार शाह और मैं आपके साथ मौजूद। ये वो लाइट है जो पुराने ज़माने पे यहाँ पर इंसानों के लाश को लाया जाता था, लेकिन अभी ये करंटली बंद है। फिर भी ये लाइट क्यों है अभी तक, क्या है इसका कारण, आप लोग वीडियो पे बने रहे। और ये देखिए काफ़ी अंधेरी गुफा जिसके अंदर ना हवा आएगी ना पानी, यहाँ पर क्या हो सकता है। ये जो डिब्बा है ये क्या का डिब्बा हो सकता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या मालूम बहुत लोग लेटिंग करने के लिए इसे इस्तेमाल करते होंगे, शायद हाँ ये आपका जवाब सही हो सकता है। ये हाँ, ये भूत लोग का लेटिंग करने का डिब्बा है। धन्यवाद। वो दूर पे आप लोगों को कुछ नज़र आ रहा है सफ़ेद सफ़ेद, ये हम लोग का लाइट जला हुआ है, सो यहाँ तक थोड़ा उजाला दिख रहा है। अभी और अंदर जाएंगे तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। काफ़ी अंदर आ चुके हैं और अंदर से कुछ आवाजें नजर आ सुनाई दे रही है हम लोग को। आप लोगों ने कुछ सुना, हम लोग बिना डरे ही अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर
कुछ तो हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही इंसानों के द्वारा प्रमाण नहीं किया गया है। ये तब 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 करके जो पानी का आवाज़ आ रहा है, आप लोगों को क्या सुनाई दे रहा है? काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग मौत से आगे बढ़ते हुए। ये देखिए, कुछ पीली पीली लाल लाल खून के निशाने दिख रही है यहाँ पर। क्या हो सकता है ये खून ही हो सकता है। और यहाँ पर देखिए, काफ़ी डरावना नज़ारा आप लोगों के सामने, पूरी तरीके से अंधेरा, कैमरामैन टॉर्च चलाते हुए। देखिए ये देखिए, ये दीवार पे लाल 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 क्या दिख रहा है आपको? कुछ तो हो सकता है, ये पानी के तप तप मालूम चल रहा है। ये आप देखिए, यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर कुछ तो हो सकता है, डरावना और ये ज़्यादा खतरनाक। हमारे तलवार अभी तक, वो पहले ज़माने के तलवार अभी तक गड़ा हुआ है यहाँ पर। कोई निकाल इसको सकेगा तो उसे कुछ भी दिया नहीं जाएगा इनाम पे। ये ऊपर आप देखिए, पानी क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या सबूत है आप लोगों के पास ये पानी आ रहा है? आप कमेंट सेक्शन पे जाके ज़रूर बताएं। ये देखिए, पानी कहाँ से आ सकता है यहाँ पर? पानी चारों ओर बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी आ रहा है। ये देखिए लाल लाल पानी, कुछ तो राज है, कुछ तो बात है जिसके कारण यहाँ पर पानी आ रहा है। हमारे दोस्त को काफ़ी डर और ठंडा महसूस हो रहा है अभी, वो काफ़ी डरे और सहमे हुए से हैं। सो हम लोग और आगे बढ़ते हुए आप लोग को दिखाना चाहते हैं यहाँ के जो हम लोग काम करने आए, मतलब जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, क्या राज है वो चीज़ का हम लोग आज को साबित करके ही रहेंगे। सो गाइस, हम लोग अभी गुफाओं के बीचों बीच पहुँच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी ही अंधेरा मालूम चलते हुए अभी हम लोगों ने मोबाइल का टॉर्च चला के ये कुछ साबित करने का कोशिश किया, मतलब आप लोगों को हम लोग अभी तक जिंदा है बोल के ये प्रमाण करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर हमें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा। हम लोगों ने खुद खतरा उठा के यहाँ पर आने का कोशिश किया है। अगर हम लोग कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, इससे आप लोगों को सच्चाई मालूम चलेगी और क्या है क्या नहीं वो आप लोगों को एकदम से मालूम चल जाएगा। सो हम लोगों ने खुलासा कर चुका है, ये भूत भूत कुछ भी नहीं होता है। फोकोटिया कहा दीदी लोग को लेके घूमने आया था, इसीलिए एक फोकोटिया वीडियो बनाया, क्योंकि ये सब वीडियो ही चलता है बोल के हम लोग को हमारे प्रिंस भाई ने बोला है। मुन्नू दत्ता जो कि हमारे नामसाई बर्दुमसा साइड के, उन्होंने भी ऐसा ही फोकोटिया वीडियो बना के अपना चैनल चलाया। सो हम लोग भी यही करने वाले। ये कोई गुफा हुआ नहीं, ये पहले ब्रिटिशर का टाइम पे ये बना हुआ एक रेल का पटरी था जो अभी कोल इंडिया का, हम लोग के आसाम के टिपोंग के भीतर का, जो अभी प्रेजेंटली बंद है क्योंकि यहाँ पर कोयला अभी फिलहाल बंद है। सो हम लोगों ने सब फोकटिया बनाया था, मतलब थोड़ा बोर लग रहा था तो हम लोगों ने बना डाला। सो आप लोग, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग ऐसे ही फोकटिया वीडियो जेपीडी ब्लॉग पे आप लोग को अपडेट देता रहूँगा, और ऐसे ही फोकटिया वीडियो पे बने रहे, और थैंक्स एंड सपोर्ट करते रहे, क्योंकि हम मैं ऐसा ही कॉमेडी और फोकटिया वीडियो बनाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। घंटा कितना एक ही बार बोलूँगा। अच्छा, सो हमारे चैनल को जिस किसी ने भी अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं शेयर बाद में, जिस किसी ने भी हम लोग का चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को अलग अलग जगह पे ले जाऊंगा और अलग अलग चीज़ दिखाते रहूंगा। सो बने रहें हमारे साथ JPT ब्लॉग पे। थैंक यू।